सर्वप्रथम हम 50 ml पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। अब इस बीकर के अंदर 1 ml एसीटोन मिलाते हैं। 1 ml एसीटोन मिलाने के बाद अब इसको कुछ टाइम तक मिश्रण को हिलाते हैं इसको। अब इस उपरोक्त विलयन में धीरे धीरे हिलाते हुए 35 ml का सोडियम हाइपोक्लोराइड का विलयन मिलाते हैं। मिलाने के बाद मिश्रण को कुछ समय के लिए हम स्थिर अवस्था में रखेंगे, जिससे कुछ समय के बाद आयोडोफॉर्म के पहले क्रिस्टल पेंदे में बैठने लगेंगे। समय तक मिश्रण को स्थिर रखने पर इसके पेंदे में आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल पेंदे में बैठने लगते हैं, जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। अंत में मिश्रण को काफी देर स्थिर रखने पर आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल इस प्रकार से पेंदे में जमा हो जाते हैं। अब हम ये आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल को छानकर पता कर लेते हैं। इस अवक्षेप को सुखाने के लिए इसमें मेथेनॉल के जलीय विलयन से इस अवक्षेप को में डालकर सुखा लेते हैं। ये मेथनॉल हम डाल रहे हैं। अब इस अवक्षेप का तुल्य की सहायता से इसका भार हम ज्ञात कर लेते हैं।